MNS started a signature campaign against incomplete road in Goregaon West. महानगरपालिका का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, मुंबई में राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है। इसी क्रम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने वार्ड 45 में हस्ताक्षर अभियान चलाकर यहाँ की राजनीति को गर्मा दिया है। दरअसल यहाँ की आरे रोड का काम अगर आप देखें तो लगेगा कि बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन बीएमसी ने रोड के दोनों तरफ का काम को अधूरा छोड़ दिया है। नेताओं का कहना है कि ये काम पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि इस काम के शुरू हुए 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसकी वजह से राहगीरों को बड़ी परेशानी हो रही है, इससे यहाँ कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। के गए 2 साल से सीसी रोड है, आरे रोड पश्चिम सीसी रोड गए 2 साल से आधा काम करके कॉन्ट्रैक्टर ने छोड़ के रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं बाजू में रोड बना हुआ है, बाजू का रोड आधा छोड़ के कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है। अभी इसमें कॉन्ट्रैक्टर का गलती है क्या महानगर पालिका की गलती है? ये अभी किसी के यहाँ पे दो नगर सेवक है, एक 45 के नगर सेवक है और 50 के नगर सेवक है। दोनों नगर सेवक चुप है, दो दो मंत्री है यहाँ पे गोरेगांव में, और दो दो मंत्री होने के बाद ये पब्लिक क्यों ये सोचेगी, ये तकलीफ है, पब्लिक क्या करेगी? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से इश्यू उठाया हुआ है और ये रोड 1 वीक के अंदर हम रोड का काम चालू करेंगे, ये हमारा पब्लिक को वादा है। आप क्या कर रहे हैं इधर इसके लिए, आप क्या कर रहे हैं? ये अभी पहले साक्षरी मुहिम सिग्नेचर कैंपेन लिया हुआ है, सिग्नेचर कैंपेन करके आयुक्त के पास बैठेंगे, उनके पास ये पेपर रखेंगे। अगर ये दो तीन दिन में आप काम चालू नहीं करते तो हम बड़े पैमाने पे जन आंदोलन छेड़ेंगे। हमारे यहाँ पर रोड का काम चालू हुए को 1 वर्ष हो गया है, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। 1 वर्ष में भी इन्होंने काम नहीं किया है पूरा, आने जाने की पब्लिक की, दुकानदारों को बहुत मिट्टी उड़ती है, पब्लिक को चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। कितने 1 साल में 25-30 एक्सीडेंट हो गए हैं और ये रोड का कोई कॉन्ट्रैक्टर काम भी पूरा नहीं कर रहा है, न कोई भी विधायक कारपोरेटर इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। ये रोड राजू बधाई के अंडर में चल रहा है, हमने विद्या जी ठाकुर को भी कंप्लेंट की है, बोले आप लेटर लाओ, हम एमए कॉर्पोरेशन में मीटिंग करेंगे, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। 8 दिवसाची की 5 दिवसाची आम्ही जी मुदत दिली आहे, त्या 5 दिवसात जर नाही झाला हा रस्ता, सुरुवात नाही केली, तर आमच्यातर्फे मनसेतर्फे पूर्ण मोठ्या प्रमाणात आंदोलन घेतलं जाईल। त्याच्यामुळे हे तुमच्यामार्फत जे लोकप्रतिनिधी आहेत पक्षातले, कुठल्याही इतर पक्षातले कुठलेही असू दे, त्यांच्यापर्यंत पोचलं हे तर फार उत्तम आहे, आणि त्यांनी जर करायला घेतलं तर हे आमची पण जीत आहे आणि लोकांची पण जीत आहे। धन्यवाद। आप इसमें जब बना सब स्टार्ट हुआ था तभी अप्रोच किया था तो बोला बरोबर सब हो जाएगा, मगर अभी एक इतना टाइम होगा कुछ हुआ नहीं है। आपको इधर दुकानदारी में तकलीफ है ना, कस्टमर बहुत कम, मीन्स धंधे में बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा, आपको क्या लगता है हो जाना, जल्दी से जल्दी हो जाए तो मेहरबानी। स्थानीय शिवसेना नगर सेवक राजू उपाध्याय इस मामले में सफाई देते हुए बताते हैं कि इसमें ना तो बीएमसी और ना ही कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। दरअसल इसके नीचे पानी की लाइन होने और ट्रैफिक ज्यादा होने से काम करना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेसी नगर सेविका स्नेहा झगड़े खुद भी राजू उपाध्याय की दलीलों से सहमत नहीं है। का सर डिले होने का रीजन बहुत से है, उसमें जो ये रास्ता है वो काफ़ी ट्रैफिक वाला रास्ता है, वहाँ से लोगों की आवक जावक काफ़ी होती है, वहाँ एक तरफ धंधे भी लगे हुए हैं, गाड़ियाँ दोनों तरफ से गाड़ियाँ चालू है, उसके वजह से काम करने को काफ़ी दिक्कत होती है। फिर भी कॉन्ट्रैक्टर ने काफ़ी तरफ से काम अभी पूरा होने को आया है, मगर जो काम अंतिम काम होने के टाइम पर जो पाइपलाइन डाली हुई है वो पाइपलाइन जो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है, और वो लाइन हमने अभी ज्वाइन की थी, और ज्वाइन होने के बाद वो लाइन में प्रेशर कम होने के कारण लोगों की तकरार आने के बाद हमने वहाँ 2 जगह खड्डे भी लिए हुए हैं, वो हमने एक वो लाइन वापस वो जूने कनेक्शन को ज्वाइन की, अभी हमने वो स्टेप बाय करके वो लाइन का काम चालू किया है, वो लाइन पूरी होने के बाद ये काम जल्द ही जल्द पूरा हो जाएगा। ये बारिश के पहले होने का, बारिश के पहले ही करेंगे हम। इसमें कसूर है कॉन्ट्रैक्टर भी इसमें जिम्मेदार है और प्रशासन भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड था कि मतलब समझो उनको
13 महीने का, 14 महीने का, जो भी टाइम पीरियड है, लेकिन लोगों को इतने महीने आपका टाइम पीरियड दिया, ये लोग हम लोग जब बात करते हैं कि आपका अभी तक दो मानसून के फिर भी काम नहीं, तो हम लोग को जवाब क्या मिलता है कि इनका टाइम पीरियड अभी तक बाकी है। टाइम पीरियड बाकी इसलिए ठीक है, लेकिन दो साल हम तुम लोगों को परेशान करके छोड़ोगे क्या? कितने लोगों को फ्रैक्चर्स होते हैं। अभी जो सीसी रोड हम लोग चिंचोली का जो बना है वो लेवल प्रॉपर नहीं है, बाइक स्लिप होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन भी है और कॉन्ट्रैक्टर भी है। बहुत सी बार ऐसे होते हैं कि ऑफिसर आके बैठते नहीं है, अभी ये कॉन्ट्रैक्टर का सब मसला चल रहा है, सब पे इंक्वायरी लगी है, इसकी वजह से कोई मीटिंग भी अटेंड नहीं करते प्रॉपरली, हम लोग को विजिट नहीं। एक्चुअली मेरे वार्ड के जितने भी रास्ते हम लोग उसके लिए फॉलोअप कर रहे हैं, आरे रोड के लिए भी हम लोग बोलेंगे लोगों की वहाँ से कंप्लेंट आते हैं, वो रोड मेरे एक्चुअली मेरे वार्ड में आता नहीं है, जो राजू पद्य की वार्ड में आता है, फिर भी अगर लोगों की कुछ तकलीफ है, क्योंकि बाउंड्री पे मेरे यहाँ के लोग हैं, जैसे जयकर स्मृति है, त्रिपाठी भवन है, वहाँ की लोगों की कुछ तकलीफ होगी तो हम लोग बात करेंगे उसके लिए भी। दूसरी ओर मन से इस मामले में आर पार की लड़ाई करने के मूड में दिखाई दे रही है। मनसे के वार्ड प्रमुख हरेश सालवी कहते हैं कि अगर ये काम मानसून से पहले न किया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। राज बिंद्रा, प्रेस 9, मुंबई।